हेलो स्टूडेंट्स, प्रायोगिक भूगोल के पिछले वीडियो में हमने सांख्यिकीय भूगोल के अंतर्गत सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन की विधियां तथा मीन या माध्य का अध्ययन किया था। आज हम लोग मीडियन या माध्यिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि माध्यिका क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है या इसका सूत्र क्या है। ठीक है, किसी भी समंक श्रेणी के मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मूल्य श्रेणी के मध्य या बीच में स्थित होता है उसे श्रेणी का माध्यिका मूल्य या मीडियन वैल्यू कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वे व्यवस्थित नहीं होते हैं जैसा तैसा रहता है, बल्कि बेतरतीब होते हैं। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में अथवा अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बेतरतीब आंकड़ा लेते हैं। इसमें जो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हमने पहले इसे आरोही क्रम में सजाया है और पुनः इसे अवरोही क्रम में सजा दिया है ताकि आप अच्छी तरह से आरोही और अवरोही को समझ जाएं। हमें इन दोनों में से किसी एक ही विधि का प्रयोग करना है, ये नहीं कि दोनों विधि का प्रयोग कर लें, एक ही विधि का प्रयोग करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी में सात पद हैं। गिनती कीजिएगा, देखिएगा, सात होते हैं। माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n प्लस वन बाई टू। यहाँ n का अर्थ है संख्या या नंबर। संख्याओं की गिनती करने पर यह सात हैं। अब यह बना सेवन प्लस वन बाई टू या आठ बटा दो या चार अर्थात चौथा पद या फोर्थ टर्म। अब हम देखेंगे कि श्रेणी में चौथा पद या फोर्थ टर्म कौन सा है। तो चौथा पद हमें ग्यारह प्राप्त होता है, जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं, अर्थात चौथा पद 11 ही इस श्रेणी का माध्यिका मूल्य होगा। ठीक है, आंसर उसका आया। अभी हमने जो मीडियन का अध्ययन किया वह कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। माध्यिका, इसमें माध्यिका का निर्धारण, इससे संबंधित एक प्रश्न एवं उसका समाधान आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है, जिससे आप इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, उसका क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। लेकिन कभी कभी हमें मूल्यों या श्रेणी के साथ आवृत्तियाँ भी दी हुई होती हैं। इन्हें खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। इसमें भी सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है और उपरोक्त सूत्र के द्वारा माध्यिका मूल्य की क्रम संख्या
ज्ञात की जाती है। जिस संचयी आवृत्ति में यह क्रम संख्या सबसे पहली बार सम्मिलित होती है, उस आवृत्ति के सामने लिखा हुआ मूल्य ही माध्यिका मूल्य होगा। इसे नीचे दिए गए प्रश्न और उसके समाधान से और भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसमें हम देख रहे हैं कि सूत्र के माध्यम से हमें आवृत्ति 65.5वां पद प्राप्त हुआ, ठीक है, देख रहे हैं उसमें, और यह 66 के सबसे नज़दीक है। अब हम देखते हैं कि 66 के सामने का मूल्य कितना है, 35 है। यही जो आपका 35 आ रहा है, 35 आ रहा है, यही माध्यिका मूल्य होगा। किसका? डिस्क्रीट सीरीज का, खंडित श्रेणी का। बस ठीक है।